दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि हिंदू धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी नियम बेवजह नहीं बनाया गया। हर एक रीति रिवाज के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों पर शोध करने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदू धर्म सबसे अधिक वैज्ञानिक है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के पीछे का वैज्ञानिक कारण, तो आइए शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, पहला नियम हमारा आता है कि हम दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हिंदू धर्म में जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते करने की परंपरा है। जब दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मिलती हैं तो उन पर दबाव पड़ता है, जिससे एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया होती है, जिससे फ़ायदा होता है कि आँख, कान को और नाक को स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद मिलती है और व्यक्ति की याददाश्त तेज़ रखने की क्षमता भी मिलती है। पश्चिमी सभ्यता की बात करें तो वहाँ हाथ मिलाने की परंपरा है, जिसका यहाँ सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक व्यक्ति के हाथ के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के हाथों पर पहुँच जाते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर दो पर आता है पीपल के वृक्ष की पूजा करना। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा भी की जाती है। वैज्ञानिकों ने जो पीपल का पेड़ का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि पीपल का पेड़ बाकी सब पेड़ों से अलग है। बाकी सब पेड़ जहाँ दिन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को ऑक्सीजन के बारे में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है और इसकी ऑक्सीजन मात्रा बाकी सब पेड़ों से कहीं ज़्यादा है। इसलिए पीपल के पेड़ का महत्व समझाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करने का रिवाज बना दिया गया। तीसरे नंबर पर आता है उपवास करना। विशेष रूप से भारतीय महिलाएं साल के अलग अलग समय पर व्रत या पूजा के रूप में उपवास करती हैं, जिसमें 24 घंटे या उससे अधिक समय तक कुछ भी खाने की मनाही होती है। आयुर्वेद के अनुसार उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और फल खाने से शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। कई सारे शोध में पता चलता है कि जो व्यक्ति उपवास रखता है उसे हृदय रोग, डायबिटीज़ और कैंसर का खतरा बहुत ही कम रहता है। चौथा है ज़मीन पर बैठकर भोजन करना। हिंदू धर्म में ज़मीन पर बैठकर भोजन करना अच्छा माना जाता है, हालांकि केवल शहरों में लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, पर आज भी गाँव में लोग ज़मीन पर पालथी मारकर ही खाना खाते हैं। जब हम ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं तब हम पद्मा आसन की स्थिति में बैठ जाते हैं, जिसे आप भोजन करने के साथ साथ योग भी करते रहते हैं। साथ ही ज़मीन पर बैठने से पाचन शक्ति में वृद्धि होती है और ज़मीन पर बैठने से शरीर की कई तरह से मजबूत हो जाता है, जिससे घुटने, कमर के प्रॉब्लम में या कोई दर्द में आराम मिलता है। पाँचवें नंबर पर आता है माथे पर तिलक लगाना। मंदिरों में जब भी हम जाते हैं तब माथे पर तिलक लगाया जाता है, साथ ही जब हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो भी माथे पर तिलक लगाने की परंपरा है। सुहागन महिलाओं को अपने माथे पर कुमकुम या सिंदूर लगाती हैं। जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं तो दोनों आंखों के बीच में जो नस गुजरती है वह नस दिमाग की तरफ जाती है, यह दबाव पड़ने से दिमाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। महिलाओं को अपने माथे के ऊपर सिंदूर लगाती हैं, जिससे इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, क्योंकि सिंदूर में हल्दी, चूना और पारा मिलाया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके ना सोना। यह नियम सदियों से चला आ रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। जब हम जैसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव शरीर में मौजूद लौह तत्व को हमारे सिर की तरफ से प्रवाहित करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और बहुत सी मानसिक बीमारियों का भी जड़ होता है। सूर्य को भगवान मानकर की जाने वाली एक परंपरा है। सूर्य नमस्कार करने से सभी व्यायामों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। सूरज के किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है और सूर्य नमस्कार सूर्य के आगे ही करना होता है। साथ ही सुबह की किरणें त्वचा के लिए लाभकारी होती हैं। तो यह हिंदू धर्म व विज्ञान के बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो विज्ञान पर आधारित हैं, पर
उन सभी को यहाँ बता पाना मुश्किल है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, पसंद आया हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।